नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। पायल घोष से जुड़ी बड़ी अपडेट। पायल घोष की NCW प्रमुख से मुलाकात। एक्ट्रेस पायल घोष ने आज महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा से मुलाकात की। फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पायल ने कहा कि इस केस से संबंधित बातचीत के लिए उन्होंने मुलाकात की थी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष ने उनका साथ देने की बात कही है, साथ ही केस को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। पायल घोष ने अपने लिए वार्ड सिक्योरिटी की मांग की है। उन्होंने कहा, मैंने सुरक्षा की मांग की है क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, ऐसे में मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। मैंने राज्य सरकार से निवेदन किया है कि वो मुझे सुरक्षा प्रदान करे। यही नहीं, पायल ने ये भी उम्मीद जताई है कि राज्य गृह मंत्री अनिल देशमुख सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। पायल ने आगे बताते हुए कहा कि मेरे घर वाले भी मेरे लिए काफी चिंतित हैं। आपको बता दें, जब ऋचा चड्ढा से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऋचा चड्ढा से उनका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल पायल घोष महिला आयोग की अध्यक्ष से मिल चुकी हैं और अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।